हेलो एवरीवन दिस इज जयेश उमरे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्वेंटी एट लेक्चर ऑन जावा प्रोग्रामिंग इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम जावा एमसीक्यूज सी आर बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर्स अब जावा एमसीक्यूज क्यूज को स्टडी करना चाहिए इसके लिए हम मोटिवेशन भी ले लेते हैं टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्किल्स फॉर कैंपस प्लेसमेंट एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जावा एम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है सो so, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम हमको यहाँ पर एक जावा कोड दिया गया है और साथ ही फोर ऑप्शन है इन फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है सो so यदि हम देखें तो हमको यहाँ पर दिया है एक क्लास और साथ में मेन फंक्शन भी जिसे हमने अब तक के हर क्वेश्चन के अंदर स्टडी किया है लेकिन अगर इस बार हम देखें तो हमको मेथड दिखाई दे रही है एक अलग से यहाँ पर फंक्शन दिया है अदर देन मेन फंक्शन और उस फंक्शन का नाम है शो सो so, अगर हम यहाँ पर देखें मेन फंक्शन क्या कर रहा है शो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है इसे कहा जाता है फंक्शन कॉलिंग अगर शो नाम का फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है डेट मीन्स पूरा कंट्रोल जाएगा शो नाम के फंक्शन के पास और शो नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा अगर शो नाम के फंक्शन में हम देखें तो फर्स्ट लाइन क्या है कैरेक्टर सी एच अरे वो एक अरे यहाँ पर बन रहा है मीन्स सिंपल हम देखें तो सी एच नाम के वेरिएबल्स में हमको थ्री कैरेक्टर आ रहे हैं एक ए नाम का अनादर बी नाम का अनादर सी नाम का कैरेक्टर अब इंटीजर आई कोवल टू जीरो दिया है डेट मीन्स आई के अंदर हम जीरो पुट कर देंगे और यदि यह हम यहां पर देखें हमको एक डू वाइल लूप भी दिया है डू के अंदर क्या हो रहा है कि प्रिंट हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी एच आई ओके अब आई के अंदर भी कितना है जीरो डैट मीन्स सी एच आई मीन्स सी एच जीरो यहाँ पर प्रिंट होगा और यदि हम देखें सी एच के अंदर ए बी थ्री थ्री कैरेक्टर है सी एच में जीरो पे ए आएगा वन पे बी आएगा और टू पे सी आएगा तो सी एच जीरो की बात हो रही डेट मीन्स जीरो पे कितना है ए तो यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है ए साथ में कॉमा भी है यहाँ पर क्या प्रिंट होगा ए कॉमा अब यदि हम आगे देखें इंक्रीमेंट हो रहा है आई का आई प्लस प्लस मीन्स आई इक्वल टू जो जीरो था वन से इंक्रीमेंट हो के आई की वैल्यू हो जाएगी वन फिर वाइल लूप चलेगा वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है कि हमको ये बताना है कंडीशन आई लेस इंड इक्व टू सी एच डॉट लेंथ सी एच हम स्टडी कर चुके प्रीवियस लेक्चर में सी एच डॉट लेंथ मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर इन सी एच कितने कैरेक्टर है थ्री सो डैट मीन्स आई की जो वैल्यू है वो लेस होना चाहिए थ्री से तब तक do वाइल लूप चलेगा सो so, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं आई की वैल्यू कितनी है वन डेट मीन्स do वाला कोड अगेन चलेगा अगेन क्या प्रिंट होगा सी एच आई इस बार आई पे जीरो नहीं बल्कि आई की वैल्यू कितनी है वन तो सी एच वन में कितना प्रिंट होने वाला है बी तो यहाँ पर प्रिंट हो गया बी अब अगेन हम लोग देखें आई का इंक्रीमेंट हो रहा है वन से आई प्लस प्लस जो i इक्वल टू वन था वो i इक्वल टू कितना हो जाएगा वन से इंक्रीमेंट होके टू कंडीशन चेक करेंगे i की वैल्यू थ्री से ले से क्या यस yes, i की वैल्यू टू है डेट मीन्स थ्री से छोटी है अगेन चलेगा डू वाला कोड प्रिंट क्या हो रहा है यहाँ पे सी एच आई आई के अंदर अभी वन था अब कितना आ गया है टू तो क्या प्रिंट करेंगे सी एच टू और टू पे क्या रखा हुआ है सी सो यदि हम आउटपुट देखें ओके ये पे ख़त्म हो रहा है क्या हम स्टडी कर चुके पहले कि कंडीशन क्या बोल रही है कि आई की वैल्यू लेस देन थ्री होना चाहिए बट जब सी एच टू प्रिंट होने के बाद ये वाला कोड चलेगा आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू टू से इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी थ्री और ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाएगी दैट मीन्स अगर वाइल की कंडीशन फेल होगी मतलब डू वाइल लूप चलेगा ही नहीं तो हमको आउटपुट में क्या मिला ए कॉमा बी कॉमा सी दैट मीन्स ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर लेकिन यहाँ पर आउटपुट निकालना बड़ी बात नहीं थी बिकॉज इसमें का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी लेकिन अगर हम देखें कि जिस कोड को प्रीवियस लेक्चर में यूज़ किया गया था सेम कोड यहाँ पर भी है लेकिन इस कोड को पुट किया गया है एक मेथड के अंदर सो so, मेरे कहने का मीनिंग इतना था कि जिस कोड को हमने बिना मेथड के पहले यूज किया था उसी कोड को हमने कहाँ पर रख दिया इस मेथड के अंदर इस मेथड में रखने के बाद ये कोड कब एक्जीक्यूट होगा जब शो नाम की मेथड चलेगी और शो नाम की मेथड को कॉल किसने किया है मेन फंक्शन में कॉल किया ओके अब यदि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूं शो नाम की मेथड को अगर मैं यहाँ पर वन मोर टाइम कॉल कर दूं तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जिस कोड को हमने यहाँ पर रखा है ओके okay, वो कोड फर्स्ट टाइम कब चलेगा जब फर्स्ट टाइम शो नाम की मेथड कॉल होगी अब सेम कोड सेकेंड टाइम कब चलेगा जब सेकेंड टाइम शो नाम की मेथड कॉल होगी मीस यही कोड कितनी बार रिपीट होगा टू टाइम्स रिपीट होगा डेट मीनस अगर हम इस बार देखें तो हमको आउटपुट ए कॉमा बी कॉमा सी की जगह पे कुछ और मिलने वाला है तो हम उस आउटपुट को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर शो नाम की मेथड को ट्वाइस कॉल किया जाए तो हमको इस केस में इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या मिलेगा सो so, इस क्वेश्चन का भी हम नंबर चेंज कर देते हैं अभी कितना था 68 अब इसको कर देते हम 69 नाइन बिकॉज क्वेश्चन चेंज हो चुका है ओके okay, बट ये देखना है कि क्या इस क्वेश्चन नंबर 69 का वही आंसर आएगा जो 68 का था तो वह यहाँ चेक कर लेते हैं सो so, यदि मैं देखूँ सेम क्लास मेन फंक्शन भी हमारे पास है शो नाम का मेथड भी है सेम कोड भी है लेकिन मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ एक लाइन हमको न्यू दिखाई दे रही है और वो लाइन क्या बोल रही है कि शो नाम की मेथड को एक और बार कॉल किया गया है मेन शो नाम की मेथड दो बार कॉल हुई है अब हम इस कोड को देखते हैं मेन फंक्शन में शो नाम की मेथड कॉल हुई कंट्रोल शो के पास गया ओके सी एच नाम का वेरिएबल बना सी एच के अंदर थ्री कैरेक्टर्स आ गए ए बी और सी हमने थ्री कैरेक्टर्स को यहाँ पे पुट कर दिया अब आई क्वस्ट टू जीरो आ गया अब यदि हम देखें डू लूप के अंदर जब हमने इतना कोड रन किया था तो हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला था ए कॉमा बी कॉमा सी ये हमको पता है ओके कि हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला था ए कॉमा बी कॉमा सी ये हो गया फर्स्ट बार कॉल किया उसका अब हम क्या करते हैं कि शो नाम की मेथड को सेकेंड टाइम कॉल करते हैं ओके लेकिन जब शो नाम की मेथड को सेकेंड टाइम कॉल करेंगे उस केस में क्या होगा कि जो भी हमने यहाँ पे दिया था वेरिएबल्स ये तो हट गए आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है लेकिन जब शो नाम की मेथड कॉल होगी उस केस में अगेन क्या होने वाला है कि सी सी एच नाम का वेरिएबल बनेगा फिर से क्योंकि शो नाम की मेथड में अगेन लाइन चलेगी तो सी एच नाम का वेरिएबल फिर से बनेगा और इसके अंदर आ जाएगा ए बी और सी क्योंकि मेथड दोबारा कॉल हो रही मीन्स अगेन वेरिएबल बनेगा फिर आई इक्वल टू जीरो फिर से बनेगा अगर हम पुराने प्रोग्राम को दे जब लास्ट टाइम हमने शो को कॉल किया था तो आई इक्वल टू कितना हो चुका था टू हो चुका था लेकिन वो उस समय से जब कॉल किया था अब हमने शो नाम के मेथड को कॉल किया तो ये ऑपस क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि लाइन यहाँ पे चलेगी फिर डू वाला कोड चलेगा अगेन सेम प्रोसीजर तो हमको आउटपुट में क्या मिलने वाला है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डेट मीन यदि हम आंसर देखें तो हमें क्या मिल रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी दो बार लिखा हुआ मिलेगा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम हमको यहाँ पे एक जावा कोड दिया है ओके okay, लेकिन इस बार कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि बिना किसी ऑप्शन को गेस किए ओके हमें डायरेक्टली आउटपुट यहाँ फाइंड आउट करना है कोई फोर ऑप्शन हमारे पास में नहीं है सो so यदि हम देखें हमें यहाँ पर दी गई है एक क्लास ट्वेंटी एट और साथ ही हमको यहाँ पर दिया गया है मेन फंक्शन और यदि देखे हम देखें तो हमको वन नाम का फंक्शन हमारे पास है देन टू नाम का फंक्शन हमारे पास है देन थ्री नाम का फंक्शन है देन फोर नाम का फंक्शन है सो so इस प्रोग्राम के अंदर टोटल फाइव फंक्शंस यहाँ पर दिए गए और यदि हम देखें जो मेन नाम का फंक्शन है उसने कॉल किया है वन नाम के फंक्शन को तो कंट्रोल कहाँ पे चल जाएगा वन नाम के फंक्शन के पास लेकिन वन नाम के फंक्शन ने कॉल किया है टू नाम के फंक्शन को कंट्रोल चल जाएगा टू नाम के फंक्शन के पास लेकिन टू नाम के फंक्शन ने कॉल किया है थ्री नाम के फंक्शन को कंट्रोल चल जाएगा थ्री नाम के फंक्शन के पास अब थ्री नाम के फंक्शन ने कॉल किया है फोर नाम के फंक्शन को कंट्रोल चल जाएगा फोर नाम के फंक्शन के पास और फोर नाम के फंक्शन में भी हम देखें जो कोड है वो क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है फोर ओके कोड यहीं पे रुक जाएगा लेकिन प्रिंट क्या होने वाला है फोर डेट मीन्स हमें आउटपुट क्या मिलेगा इस केस में फोर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेम क्वेश्चन वट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम जावा कोड हमारे पास है लेकिन इस बार भी कोई ऑप्शन हमको दिए नहीं गए कि कौन सा ऑप्शन हमारा आउटपुट होगा हमें डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पे आउटपुट बताना है हम प्रैक्टिस कर चुके हैं सेम क्वेश्चन की बट यहाँ पे कुछ चेंजेस है तो हमें यहाँ पे करना क्या है मेथड सभी को पता है क्लास के अंदर मेन मेथड है देन वन नाम की मेथड है देन टू नाम की मेथड है देन थ्री नेम की यहाँ पर मेथड है सो मेन मेथड ने किसको कॉल किया है वन को तो कंट्रोल चल जाएगा वन के पास अब वन के अंदर हम देखें तो वन ने किसको कॉल किया है मेथड टू को लेकिन वन के अंदर एक लाइन भी प्रिंट हो रही है जिसके अंदर फोर की वैल्यू है लेकिन अभी ये लाइन नहीं चलेगी क्योंकि जब टू नाम के फंक्शन को कॉल किया गया तो कंट्रोल कहाँ पे चले गया टू नाम के फंक्शन के पास अभी लाइन प्रिंट होना बचा है लेकिन कब प्रिंट होगा ये जब टू नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होकर रुक जाएगा लेकिन टू ने किसको कॉल किया है थ्री को कंट्रोल चले गया थ्री के पास और थ्री के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है थ्री तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा थ्री लेकिन जब थ्री प्रिंट हो जाएगा डेट मीन्स टू नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होकर रुक गया है अब उसके बाद क्या प्रिंट होने वाला है ये लाइन चलेगी तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा फोर डेट मीन्स आउटपुट में कितना आने वाला है थ्री एंड फोर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम अगेन जावा कोड हमारे पास में बट इस बार भी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है हमें इस कोड को देख के बताना है कि फाइनली आउटपुट क्या आने वाला है सो so, यदि हम यहाँ पे देखें हमें अब क्या करना है पहले मेन फंक्शन को सर्च करना है मेन फंक्शन हमारे पास है ओके okay? अब नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने हैं यहाँ पर मेन तो है ही साथ में वन नाम का फंक्शन भी है साथ में टू नाम का फंक्शन भी है सबसे पहले मेन ने किसको कॉल किया फंक्शन वन को तो वन नाम के फंक्शन के पास कंट्रोल चल जाएगा वन नाम के फंक्शन में फर्स्ट किसको कॉल किया गया टू नाम के फंक्शन को तो कंट्रोल कहा जाएगा टू के पास और टू के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है फोर यहाँ पर आ गया फोर अगर वन के अंदर नेक्स्ट लाइन देखें तो अगेन टू नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है देट मीन्स अगेन कंट्रोल कहाँ पर जाएगा टू के पास और टू में क्या प्रिंट हो रहा है फोर अब वन भी देखें तो अगेन टू नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है अगेन कंट्रोल कहा जाएगा टू के पास आउटपुट में क्या प्रिंट होगा फोर अगेन यहाँ पे कॉल कौन हो रहा है टू कंट्रोल जाएगा टू के पास आउटपुट में क्या प्रिंट होगा फोर अब यदि हम देखें तो वन नाम के फंक्शन के अंदर आगे कोई लाइन नहीं है डेट मीन्स पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है तो फाइनली हमको आउटपुट क्या मिला फोर को लिखा गया है फोर टाइम्स ये हमारा आउटपुट है सो so, इस लेक्चर में हमने क्या देखा हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से फंक्शंस का यूज किया जाता है एम के अंदर जी प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस को स्टडी किया था इसीलिए हमने सिर्फ फंक्शंस को यहाँ पर लिया है बट जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे तो सिर्फ फंक्शन वहाँ पर नहीं रहेगा बाकी फंक्शंस के अलावा अल। दूसरे स्ट्रक्चर्स भी जावा प्रोग्रामिंग के हम उन एम सी क्यूज के अंदर यूज़ करेंगे जैसे हम लोग स्टडी कर चुके हैं वेरिएबल्स के बारे में ओके देन डेटा टाइप्स के बारे में ओके की मीन्स वेरिएबल का डेटा टाइप्स हमको क्या रखना है देन कंडीशंस के बारे में हमने स्टडी किया था ये फेल्स हम फोर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं हम वाइल के बारे में पढ़ चुके हैं हम डू वाइल के बारे में पढ़ चुके हैं okay, ओके हम स्विच के बारे में पढ़ चुके हैं ठीक हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देख लिया है हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज देख लिया है हमने मेथड को स्टडी कर लिया है साथ ही हमने पैरामीटराइज मेथड्स को भी स्टडी कर लिया है इसी के साथ जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे जावा के एम की प्रैक्टिस भी की डेट मीन्स हमें इन सभी के अलावा जावा प्रोग्रामिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज हो चुका है तो इसका मीनिंग ये है कि नेक्स्ट लेक्चर से हम जावा एम का लेवल थोड़ा हाई कर सकते हैं सो इन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे जावा एम के बारे में जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स पे। थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग